अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आ चुके हैं हम एक और न्यू व्लॉग ही कह सकते हैं आप इसको। मतलब ये कि मैं जा रहा हूँ गुजरात विद माय ब्रदर एंड विद माय भाभी, और शहीर भी जा रहा है हमारे साथ। तो गुजरात जाने की 3-4 वजूहत हैं। एक तो मेरे जो भाई और भाभी हैं उन्होंने अपने रिलेटिव को मिलना था, इस वजह से जाना था। और दूसरा, आप लोगों को शायद याद हो, मेरा एक कजन है साइको एजे के नाम से, मेरे साथ पबजी खेलता रहा है बहुत अरसा। तो अभी तो खैर पबजी की वीडियोस मैंने अपलोड करना थोड़ी सी कम कर दी है। उस टॉपिक पे भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्यों किया मैंने। बाकी मेरा जो कजन है साइको एजे, आप लोग जानते होगा, काफी हमने साथ खेला है और काफी आप लोगों ने भी इंजॉय किया था वो वाला कंटेंट जिसमें हम दोनों साथ होते थे, काफी शुगल वगैरह लगता था। अब देखें जी, जिंदगी ऐसी है, ऊंच नीच ना जिंदगी का हिस्सा है। तो जो ये वक्त है ना, वक्त की एक खूबसूरती बड़ी है और एक इसकी बदसूरती भी बहुत है कि ये मतलब एक जैसा नहीं रहता। वक्त हमेशा चेंज होता जाता है, इंसान भी बदलता जाता है। मसला ये बना, मेरा जो कजन है साइको एजे, उसकी मैं यहाँ पिक्चर लगाऊंगा, आप लोग पहचान लोगे उसको। तो वो होता है वो होता है इटली। तो इटली होता है वो, तो वहां पर वो मतलब जॉब करता है ना। तो जॉब पे वो एक दिन जा रहा था, बल्कि सॉरी वापिस आ रहा था, वो जा नहीं रहा था, वापिस आ रहा था ड्यूटी से। तो रास्ते में उसका हो गया एक एक्सीडेंट, और कुछ छोटा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, काफी काफी जो है वो मेजर एक्सीडेंट हुआ था। और ही वॉज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज सेफ। और बाकी 10 दिन सॉरी कोमा में भी रहा था, बाकी अल्लाह ने बहुत बचाया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है अब वो। वो होता है इटली में। तो इटली में आप लोगों को पता है, जो बंदा बाहर जाता है परदेश की जो जिंदगी है ना, वो कोई आसान जिंदगी नहीं है। एक्सीडेंट ऐसे हुआ, वो कहीं वापिस आ रहा था, साइकिल पे जाता है काम पर और वापस भी साइकिल पे ही आता है। तो कहीं पता नहीं अब किसकी गलती है, मुझे ये प्रॉपर पता नहीं चला, लेकिन एक ट्रक वाले ने हिट किया और काफी मतलब गंदा हिट किया। तो बताने का आप लोगों को सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग और कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुआ तो कर दोगे। मेरा बड़ा प्यार था उसके साथ, हालांकि हम मतलब इतना मिलते नहीं थे क्योंकि वो गुजरात रहता था, मैं यहाँ सरगोधा रहता हूँ, लेकिन जब भी हम मिलते थे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से हम एक दूसरे के साथ रहते थे। तो बुरा वक्त हर बंदे पे आ जाता होता है, बुरा वक्त बताकर नहीं आता कि मैंने किस पे आना है। तो अल्लाह खैर करे, दुआएं करते रहा करें ऐसे ही सबके लिए, अपने लिए भी, हमारे लिए भी, और मेरे भाई के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहत याब करे इंशाल्लाह। है तो वो बड़ा स्ट्रांग बंदा है, तो इंशाल्लाह जल्दी वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह ये बताना था। और अभी हम जा रहे हैं गुजरात, उसका छोटा भाई भी है, मेरा दोस्त है, कजन है, मेरा भाई है, मेरा मतलब उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे उससे भी, आप लोगों को भी मिलवाएंगे। अभी टाइम जो है 9 बज चुके हैं, मैं नहाया वगैरह हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, तो अभी भाई समनान लोग तैयार हो चुके हैं, तो बाकी इंशाल्लाह निकलते हैं। मैंने कहा आपको ये न्यूज दे दें क्योंकि लोगों की दुआओं का असर बड़ा होता है, तो आप लोग भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह उसका भी असर होगा और वो जल्द से सेहतयाब हो जाएगा। तो अभी जी निकलते हैं गुजरात के लिए। तो साइलेंट वहां नहीं है, वरना साइलेंट को भी हम मिलते, साइलेंट गया है मुबीन भाई के पास पिंडी, उसको हम नहीं मिल पाएंगे। तो बाकी निकलते हैं अभी गुजरात को, वैसे ही लेट हो रहा है, हमने निकलना था सुबह 8 बजे, और आपको पता है जब फैमिली ने साथ जाना हो तो बंदा तैयार होते 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 टाइम जो है वो निकल जाता है। एक तो मैं पहले बड़ा लेट उठता था, अब तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ ना, यू नो, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, फादर साहब आ गए, तो अब मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है जब मतलब वो जगह आते हैं, तो तब मैं जाग जाता हूँ। फिर इंशाल्लाह निकलते हैं, अभी जाएंगे हम इसी गाड़ी पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह कम है क्योंकि ये अलमारी है, वरना जो है दो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो जाती थी। तो अभी निकलते हैं जी, भाई समनान आ गए, शूज ही नहीं पहने यार मैंने, शूज वगैरह पहनते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। कपड़ा वगैरह मार दिया हुआ, साफ हो गया बिल्कुल, यस ओके की रिपोर्ट। तो जी हम निकलने लगे हैं, ये देखिए हम तोतों का पिंजरा लेके आए हैं, ये चेक करें, अब हमारे जो तोते हैं ना बिल्कुल खुशबाज है। इसके अंदर मैंने वो भी रखी हैं, ये जो होती हैं इनके रहने के लिए, अंडे और बच्चे देने के लिए। हाँ जी शहीर पुत्र कल वो यार इसने ना वो कुत्ते के बच्चे थे छोटे छोटे, बिल्कुल अभी वो पैदा ही हुए थे, इसने ला के ना उसको जमीन पे रखा, साथ बिल्ली बैठी हुई थी इसने उस बिल्ली को पकड़ा, कुत्ते के ऊपर फेंका इसने, अबे साले। तो ये देखे हमारे जी तोते 11 के 11 पूरे हैं। मम्मी चाचू ने बताया एक चीज का, नहीं बताओ, एक ना 2 दिनों की माँ थी, छोटी सी, 2 दिनों की गांधी क्या थी 2 दिनों की, वाचर
है? वच्छा। अभी हम तैयार वगैरह हो गए हैं जी, तो अभी निकलते हैं फिर इंशाल्लाह। ये जी हमारे मलिक साहब अपने प्यारे पे प्रवास करते हुए। मलिक जी किधर जा रहे हो? लाना जी किधर जा रहे हो? दफ्तर इसको कितने साल हो गए तेरे पास? ये स्टार जीरो गाड़ी निकालते हुए गाइस, ये हमारे वाले साहब हैं से माशाल्लाह। कितने बजे जॉब शुरू कर दे हो? शुरू हो गया ये। हाँ जी 9 बजे की करो, बाहर निकलो तो जॉब शुरू हो जाती है। हैं? आइए दफ्तर पहुंचे नहीं, शुरू हो गई है पहले ही जॉब। गाइस कोई ऑयल वगैरह रिकमेंड करें ये हमारे मलिक साहब को, इनके बाल जो उनसे ना गिर रहे हैं, ये देखें क्या कहते हैं। एज इतनी नहीं है अभी, कितनी है? 22 16 साल एज है इनकी, और ये ना बाल गिरना शुरू हो गए हैं। कोई ऑयल वगैरह रिकमेंड करें इन्हें। ये हमारे वाले साहब हैं। अब जी हनुमान दे व्यूज देख रहे हैं वो शहीर अली है। मलिक साहब सूट ले लिया? सूट सूट 8-9 हजार का वधिया है, अद्धे पर। ये हैवी बाइक है इनका जी, मलिक साहब का। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मेरे भनोई के घर। यहाँ पे दूसरी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने आपको बताया था हम जा रहे हैं गुजरात, तो दूसरी गाड़ी की जो है ना जरूरत पड़नी थी, तो ये अभी भाई साहब नान निकालेंगे। ये राइट साइड देख लीजिएगा, ये वाले साहब खड़े हैं मेरे साथ, खड़े हैं जी भाई जीशान। हम जो है वाले साहब से मैंने आपकी मुलाकात कोई नहीं करवाई। चले जी इंशाल्लाह फिर कभी। अभी अबू थोड़े से ना वो शायद फील कर रहे थे इस वजह से, तो इंशाल्लाह अभी ये गाड़ी वगैरह निकालते हैं। तो जी अभी यहाँ से हमने दूसरी गाड़ी ले ली है, वालिद साहब और वालदा आए थे साथ, तो अभी ये इस गाड़ी पे चले जाएंगे। हम जो है अपनी इस पे इंशाल्लाह गुजरात के लिए निकलते हैं, पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है। काफ़ी हमारे जो एक अपॉइंटमेंट ली हुई थी हमने, उसके लिए हमें टाइम मिला हुआ था, तो 12 बजे का टाइम था, 10 तो हमने यहीं बजा दिए हैं, तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ये ज़ारा जैसा लगता है? हैं ज़ारा के भाई, ये वैसे भी ज़ारा का भाई है। तो जी थोड़ी देर बैठे थे, अभी निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से। अब यहाँ से सीधा हम निकलेंगे गुजरात के लिए। बलवाल रोड बड़ा ख़राब है यार, बलवाल रोड बनवा दो भाई। बलवाल रोड जो है ना वो ऐसा ख़राब है, ऐसा ख़राब है, जो भी सरगोधा आता है एक दफ़ा दुआएँ देता है हमें कि क्या दो रोड है। पहले हमारा ये नूरी गेट वाला रोड बड़ा ख़राब था, और अब जो है वो ठीक हो गया, तो अब हमारा बलवाल रोड तो बड़ा चीखे निकलवा देता बल्ला। तो जी ये अभी हम आए हुए थे यहाँ से, हम फर्नीचर बनवा रहे हैं अपना भाई सबनान का भी और सिस्टर का भी, तो इनसे हम अपना फर्नीचर सारा तैयार करवा रहे हैं शादी का, तो उसका पता करने आए थे। भाई सबनान का बेड जो है वो कल बन चुका था, बेड आ गया था, बाकी ये भी सामान थोड़ा सा रहता, उसके बाद सिस्टर का भी सामान हमारा यहीं पर तैयार होगा। तो अभी ये सामान वगैरह का हमने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करवाना था, इस वजह से हमने ना का सोचा निकलने से पहले जो है यहाँ से एक दफ़ा हो ले। और आज जो है ना मैंने फिर से पेंट शर्ट पहनी है आपके भाई ने। शर्ट जो है ये भाई समनान की है, पेंट जो है ये भाई समनान की, जैकेट जो है ये भाई समनान की, सिर्फ क्या है शूज़ मेरे हैं। तो आज मैंने सोचा चलो पेंट शर्ट ही पहन लेते हैं। भाइयों का यही फ़ायदा है, मेरी हाइट मेरी जिसामत जो है वो बिल्कुल भाई समनान के साथ मैच करती है, तो मुझे उनके सूट उनको मुझे सूट आराम से आ जाते हैं। तो अभी मैंने कहा ये भी बता दूं आपको यार, अभी काम पे काम जो है वो निकले जा रहे हैं। पहले हम गए गाड़ी लेने, फिर हम गए फर्नीचर वाले के पास, फिर हम गए हैं अब एटीएम। तो अब भाई समनान जो है वो एटीएम गए हैं, तो वो एटीएम से होके आते हैं, तो फिर निकलते हैं। ये कोई चौथी दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। बहुत खराब है, मनोरंजन है ना।
अच्छा कौन सा सिंगर फेवरेट है आपका, करण ओजला या सिद्धू मूसे वाला? आपका फेवरेट गाना कौन सा? उसका फेवरेट गाना बता दो। एक किलो कर दो यार, अच्छे अच्छे जरा ना, जो थोड़े कच्चे पक्के हों। तो ये जी हम अमरूद ले रहे हैं, अमरूद चेक करें, लाल लाल अमरूद है भाई ये, भाई सम्मान जो है अमरूद ले रहे हैं, हमने लेने माल्टे थे। तो जी यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, अमरूद वगैरह लेते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। हमने कोक लेस वगैरह तो ले लिए थे, लेकिन पहले हम सोच रहे थे माल्टे लें, लेकिन फिर सोचा ये अमरूद लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से अमरूद ले रहे हैं, वो भाईजान जो हैं ये वाले, सॉरी। तो जी यहाँ से अमरूद लेते हैं, टाइम बड़ा, रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना गंदा रास्ता था पलवाल का, हर मिनट बाद ब्रेक लगती थी, हर मिनट बाद, तो बड़े जहरीले खड्डे थे। तो अब अल्लाह खैर करे, अब पलवाल से आके रास्ता हमें साफ ही मिले, तो इंशाल्लाह अभी जी अमरूद वगैरह ले के तो फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल है। पहले वाली सूरत हाल तो बुरी रही है हमारी, सरगोधा की सौगात, लेकिन हम सरगोधा से नहीं ले गए, हम यहाँ से ले रहे हैं। किस तरह ने? 200 रुपये दर्जन। बोरियां बनाई हुई है और बेचते हैं। हम तो आज तक फ्री खाए हैं माल्टे, हमने सही बताऊं तो आज तक फ्री खाए हैं मैंने माल्टे, वो एक ही तोड़ना सिर्फ, ये नीचे लगा हुआ, ये नीचे, हाँ ये बस एक ले ले, बस आजो बस सही ले ली। वो तो फ्रीज ले लेने, आ फ्रीज ले लेने। तो गाइस हम जो है पहुंच चुके हैं गुजरात, और गुजरात में ना यहाँ ये अजीज भट्टी हॉस्पिटल है, यहाँ भी हम आ गए हैं। तो अभी हमें लग रही है बहुत टाइट किस्म की भूख, और शहीर अली जो है वो भी थक गया। शहीर थक गए हो? अदर बजो शहीर थक गए हो? आप तो कह रहे थे मैं लंबा सफ़र इंजॉय करता हूँ। तो गाइज ये हम एक ढाबे पे आए हैं, इधर हमें और कुछ नहीं मिला, हमने ये करवाया है चना दाल और साथ कीमा है, आलू और आलू कीमा, और साथ जी ये चटनी आ गई है, और ये रोटी है, साथ होगी कोल्ड ड्रिंक। बस जी इधर अभी हम ये खाएंगे, थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे, इधर शरीर की चार्जिंग फुल होगी ये खा के, फिर इसमें शैतानियाँ करनी है। तो कुछ काम वगैरह थे इम्पोर्टेंट, तो वो हमने करके ना फिर व्लॉग बनाने का जो टाइम है वो हमें नहीं मिला, तो इस वजह से फिर व्लॉग मैं अपना कंटिन्यू नहीं कर पाया। शरीर साहब को ठंड लग रही है, देखो डबल ब्लैंकेट लेके सोया हुआ। तो इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग फिर हम यहीं पे करते हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।